वहीं सांसद राजकुमार सैनी का जन जागरण अभियान जारी है और इसी सिलसिले में वो कुरुक्षेत्र पहुंचे जहां पर क्रॉस लिंकिंग कंसल्टिंग ऑफिस का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके लिए विधाता कॉम्प्लेक्स में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद सैनी ने प्रदेश के पिछले 5 मुख्यमंत्रियों पर जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बल्लागांव में आयोजित कार्यक्रम को रद्द करवाने की प्रशासन की नाकामी करार दिया। गौरतलब हो कि सांसद सैनी जन जागरण अभियान के तहत अब तक प्रदेश के कई जिलों में सभाएं कर चुके हैं जहां उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। सांसद सैनी पारंपरिक राजनीति से हटकर लोगों को 100% आरक्षण और समानता का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। जो आपका बड़ा गांव में प्रोग्राम प्रदेश के अंदर 5 मुख्यमंत्रियों ने भाई भतीजावाद, जातिवाद और परिवारवाद के माध्यम से 90% लोगों के हितों को इस प्रकार से कुचल दिया कि अपने समाज के 10% लोगों के पास आज 50 से 55% नौकरी है जो रिकॉर्ड मेरे हाथ में जी। लगभग 3.25 लाख नौकरी में से 1,38,000 नौकरी 10% लोगों के पास है और 90% लोग 45 से 50% के बीच में सीमित कर दिए गए। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़ा गांव के अंदर उनकी प्रोग्राम को स्थगित करने से हम प्रोग्राम स्थगित नहीं करने वाले थे, लेकिन प्रशासन उनको रोकने की बजाय हमें धारा 144 के माध्यम से रोक करके प्रोग्राम को ना होने देना ये मौलिक अधिकारों का हनन है जिसका हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। जी सर, जो आपका बड़ा गांव में प्रोग्राम कैंसिल हुआ उसके बारे में क्या बताऊंगा?